नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बिल्डिंग के रिगार्डिंग। आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप कौन कौन से ऐसे खर्चों को क्लेम कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए अगर आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यवसाय है, कोई भी व्यापार है, जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ऑफिस के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, एक शॉप के अंदर वह व्यवसाय करते हैं। तो ऐसे में जो यह बिल्डिंग है उसके लिए आप कोई ना कोई खर्च जरूर करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 30 में यह बताया गया है कि आप किसी व्यवसाय के तहत किसी बिल्डिंग के लिए कौन कौन से खर्चों को क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो यहाँ पर सेक्शन 30 में यह बताया गया है कि आप कौन कौन से खर्चों को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 30 रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग के रिगार्डिंग अगर आप रेंट पे करते हैं, अगर आप रेट्स, टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, कोई रिपेयर कराते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, तो ऐसे में किस तरह आप इन खर्चों के रिगार्डिंग छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, वह बिल्डिंग दो तरह की हो सकती है। कोई भी बिल्डिंग जो आप यूज़ करते हैं, या तो आपने वह रेंट पर ली होगी, किराए पर ली होगी, या फिर वो बिल्डिंग आपकी खुद की होगी, ओन्ड होगी। तो ऐसे में अगर आपने वह बिल्डिंग रेंट पर ली है तो सबसे पहले आप उसका रेंट पे करते हैं। दूसरा, अगर उस बिल्डिंग के अंदर कोई रिपेयर होनी है तो ऐसे में आप उसकी रिपेयर कराते हैं। तीसरा, अगर उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी आप टैक्स आपको पे करना है तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। चौथा, हो सकता है आपको यह डर लग रहा है कि इस बिल्डिंग में कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई भी डैमेज हो सकता है, तो ऐसे में आप उसका इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो ये चार तरह के खर्चे बेसिकली आप एक बिल्डिंग के रिगार्डिंग कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर आपकी आती है इन केस ऑफ ओन्ड। अगर बिल्डिंग आपकी खुद की है तो यहाँ पर ऐसे में किसी भी तरह की कोई रेंट की बात नहीं होगी। दूसरा, ओन्ड बिल्डिंग है, आपकी खुद की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई रिपेयर वगैरह आपको करानी पड़ सकती है। तीसरा, उसके रिगार्डिंग जो भी म्यूनसिपल टैक्सेस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है, वो आप पे कर सकते हैं। चौथा, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं बिल्डिंग के इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया है सेक्शन 30 में कि अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पर ली गई है तो ऐसे में जो भी आप रेंट पे करते हैं उसकी आपको छूट मिलेगी। उसके अलावा आप जो भी रिपेयर के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। रिपेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो खर्चा किराएदार के द्वारा किया जाना है, टेनेंट के द्वारा किया जाना है, वही खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट में यह लिखा गया है कि जो रिपेयर जो होगी वो मालिक के द्वारा की जाएगी, जिसकी बिल्डिंग है उस मालिक के द्वारा की जाएगी, तो ऐसे में रिपेयर का कोई भी खर्चा जो टेनेंट के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखें, रिपेयर का खर्चा तभी मिलेगा जब वो टेनेंट के द्वारा बियर किया जाना हो। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स आप कोई पे करते हैं तो उसकी भी छूट आपको मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी टैक्स टेनेंट के द्वारा पे किया गया है तो छूट मिलेगी, प्रॉपर्टी टैक्स अगर मालिक के द्वारा पे किया गया है तो ऐसे में उसको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई इंश्योरेंस पे किया गया है बिल्डिंग के द्वारा, बिल्डिंग के लिए टेनेंट के द्वारा, तो ऐसे में टेनेंट को, किराएदार को उसकी छूट मिलेगी। लेकिन अगर मालिक के द्वारा कोई इंश्योरेंस पे किया गया है तो ऐसे में किराएदार को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ पर आती है जब बिल्डिंग ओन्ड है, खुद की बिल्डिंग है, तो ऐसे में रेंट की पेमेंट की कोई बात ही नहीं होगी। दूसरा, रिपेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर जब बिल्डिंग खुद की है तो यहाँ पर खर्चा भी खुद ही किया जाएगा, तो रिपेयर के रिगार्डिंग आपका जो भी खर्चा है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स आप जो भी पे करेंगे वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो भी पे करेंगे वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इन सभी तरह के खर्चों को क्लेम करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है, मेन बात है, वो है जो आपकी बिल्डिंग है वो जो यूज़ होनी चाहिए वो बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए। अगर आप वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में कोई भी खर्चा आपको आपके व्यवसाय में क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 30 में कहा गया रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्रीमाइजेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज की जा रही है तभी आपको द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड, तभी आपको ये डिडक्शंस अलाउ होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात कही गई वेयर दी प्रीमाइजेज आर ऑक्यूपाइड बाय दी एसएससी। प्रीमाइजेज मींस बिल्डिंग जो है वो यूज की जा रही है, ऑक्यूपाई की जा रही है बाय दी टैक्स पेयर एज ए टेनेंट। तो यहाँ पर अगर एक किराएदार के तौर पर आपने वह बिल्डिंग ली है, आप उसमें किराएदार हैं और अपना बिजनेस अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप जो भी रेंट पे करेंगे द रेंट पेड फॉर सच प्रीमाइजेज एंड फर्दर इफ ही हैज़ अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू द प्रीमाइजेज द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ सच रिपेयर्स। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी रेंट पे किया जाएगा उसकी छूट आपको मिलेगी, साथ ही अगर आपने जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है वो टेनेंट ने खर्च करनी है, किराएदार ने खर्च करनी है, तो ऐसे में रिपेयर के लिए जो भी पैसा खर्च किया गया होगा वो भी आपको छूट के तौर पर मिलेगा, उसकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद कहा गया कि वेयर द प्रीमाइज आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी अदरवाइज देन एज ए टेनेंट, दैट मीन्स यहाँ पर वो किराएदार नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो ओन्ड है, उसकी खुद की बिल्डिंग है, तो ऐसे में कहा गया द अमाउंट पेड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स टू द प्रीमाइज। तो यहाँ पर करंट रिपेयर के लिए जो भी खर्च किया जाएगा वो उसको क्लेम करने दिया जाएगा। यहाँ पर रेंट की बात नहीं की गई है, आप देखेंगे यहाँ पर रेंट की कोई बात नहीं की गई है, तो ऐसे में रेंट के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो किराएदार के तौर पर बिल्डिंग नहीं यूज़ कर रहा है, यहाँ पर उसकी खुद की बिल्डिंग है। उसके बाद कहा गया एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू लोकल रेट्स और म्यूनिसिपल टैक्सेस। बेसिकली यहाँ पर इन तीनों का मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे किया जा रहा है तो उसकी छूट आप अपने व्यापार में बिजनेस में क्लेम कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइज। अगर आपको खतरा है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको डैमेज हो सकता है, उसको कोई नुकसान हो सकता है और आप उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो ऐसे में आप जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे उसकी छूट आपको अपने व्यापार से बिजनेस से मिल सकती है। तो सेक्शन 30 में बेसिकली यहाँ पर रेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात की गई है। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप कोई भी बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो ऐसे में हम आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। आज की हमारी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए।